अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बदलिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के बाग लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। कादंबरी बहू, तुमने पार्वती से इतनी बड़ी बात कह कैसे दी? आखिर तुम्हें हो क्या गया है बहू? जिसे भी सुमन के साथ देखोगी उस पर इल्जाम लगा दोगी कि उसे करण के गुजरने का कोई दुख नहीं है? करण सिर्फ तुम्हारा ही बेटा था क्या? पार्वती का वो कुछ नहीं था? तुम मुझे कुछ भी कहो, आज मुझे जो सही लगेगा वही मैं करूंगी। करण मेरा भतीजा था तो ये उस भतीजे की विधवा है और इसे सबसे ज्यादा हम सबके सहारे की जरूरत है। नहीं ताई जी, हमारी वजह से आप लोग आपस में मनमुटाव मत कीजिए। जी, आपको ये मफलर चाहिए था ना, इसे ले लीजिए। मैं करण जी की आखिरी निशानी नहीं, इस घर की शांति चाहिए। वाह सुमन वाह, आग लगाकर आग बुझाने का नाटक करना तो कोई तुमसे सीख। आखिर जो चाहती थी वही हो गया ना, अब इसे तो तू अपने पास ही रख। दीदी, ऐसा नहीं कहना चाहती थी। माँ, खुश हो गई तुम? जिनसे आज तक मैंने ऊंची आवाज में कभी नहीं बात की, मैंने आज इतनी बड़ी बात कह दी। अपनी बड़ी दीदी का दर्जा दिया था मैंने उन्हें। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ सुमन, तू पछताएगी, पछताएगी तू। दीदी, दीदी, अम्मा, दीदी मुझे माफ नहीं करेगी ना? कादंबरी, माँ, हे भगवान, श्याम बहादुर, श्याम बहादुर, पानी ले आ।
अरे पानी, अरे श्याम बहादुर कहाँ मर गया, जल्दी पानी ला। अरे क्या हुआ मालकिन को? बहू बहू होश में आओ। कादंबरी तुम ठीक हो? बहू तुम ठीक हो? जी माफ कर दीजिए अम्मा, दीदी को ऐसा नहीं कहना चाहती थी अम्मा, वो इस घर को बर्बाद करके ही इसे चैन मिलेगा अम्मा, ये सब इसी की वजह से हुआ। इसे कह दीजिए मेरी नजरों से दूर हो जाए। तुम शांत हो जाओ। मैंने क्या कर दिया अम्मा? बहू तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी, चलो थोड़ा आराम कर लो। श्याम भैया, जी दीदी कुछ काम था आपको हमसे? श्याम भैया आप हमारी एक मदद कर देंगे? दीदी ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम आपके लिए जितना कर सकते उतना जरूर करेंगे। हमें ताई जी से कुछ जरूरी बात करनी है, आप उन्हें कहेंगे कि हम उनसे मिलना चाहते हैं? बिल्कुल। मेरे बेटे के मरने पर कोई दुख नहीं है आपको, लेकिन मेरे बेटे के कातिल पर प्यार उमड़ रहा है आपको। एक विधवा का ही तो साथ देगी? ताई जी वो सुमन दीदी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, इसके लिए वो आपसे मिलना चाह रही हैं। तुम जाओ बैठो। सुमन तुमने मुझे बुलाया, रुको बैठो। क्या बात है ताई जी? माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा, उन्हें माफ कर दीजिए। ताई जी हम जानते हैं माँ के दिल में आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं है, हमारी वजह से उनके मुंह से आपके लिए ऐसा निकल गया। मैं जानती हूं कादंबरी का दिल साफ है, उसने मुझे जो कहा उसका मुझे दुख नहीं है। मुझे तो दुख इस बात का है कि वो तुम्हारे लिए ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। इस समय सबसे ज्यादा तुम्हें उसके सहारे की जरूरत है। नहीं ताई जी, इस समय सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत माँ को है, वो पूरी तरह टूट चुकी है ताई जी। अगर माँ नहीं चाहती है तो आप प्लीज हमारे पास मत आइएगा, हम उनका दिल और नहीं दुखाना चाहते ताई जी। आप प्लीज माँ के पास जाइए ताई जी,
माँ को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। कितना प्यार करती हो कादंबरी से, काश काश वो तुम्हारे दिल को समझ पाती। तुमने अभी तक चूल्हा ही नहीं जला, मतलब तुमने अभी तक खाना ही नहीं खाया। अभी चलाएंगे, मेरे सामने चलो, चला लेंगे चूल्हा ताई जी। अब प्लीज माँ के पास जाइए। जाती अपना ख्याल रखना। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैंने ऐसे कैसे कह दिया, मैंने आपका दिल दुखाया दीदी। चुप हो जा कादंबरी, चुप हो जा। मैंने तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना है। नहीं दीदी, मैंने गलत कहा। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ दीदी, न जाने मैंने ऐसा कैसे कह दिया। जानती हूँ बाबा, जानती हूँ। इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रही, तुम्हें नहीं समझूंगी क्या? अब अपने मन को शांत करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। आपने मुझे माफ कर दिया ना दीदी? हाँ बाबा हाँ। तू मेरी छोटी बहन है ना, तो तुझे नहीं माफ करूंगी क्या? आंगन के अच्छे से सफाई करना और आंगन के कोने कोने को गंगा जल छिड़क के शुद्ध करना। जी बिल्कुल। श्याम बहादुर, तुम जाकर बाजार से सब्जियां ले आओ। नहीं बुआ जी, वो दादी माँ ने आंगन की सफाई करने के लिए कहा है। ठीक है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो करो, सफाई में किसी और से करवा लूंगी। अब तो ठीक है, आप ठीक से करवा दीजिएगा तो दादी माँ बहुत गुस्सा हो जाएंगी। मुझसे ज्यादा फिक्र है तुम्हें इस घर की, कहाँ ना करवा लूंगी। हमारा घर अशुद्ध करके खुद साफ सुथरी रहना चाहती हो? तुझे पता है ना, तेरे घर में कदम पड़ते ही घर अशुद्ध हो जाता है और फिर अम्मा को पूरा घर गंगा जल से साफ करना पड़ता है। माँ की तबीयत खराब थी ना बुआ जी, इसीलिए हम खुद को रोक नहीं पाए बुआ जी। झूठ क्यों बोल रही हो? ये क्यों नहीं बोलती कि घर में आके हमें परेशान करने का मौका ढूंढती रहती हो? तुम्हारी वजह से हमारा घर अशुद्ध हुआ है, अब तुम ही आकर उसे साफ करोगी। महारानी देखी, चल उठा वो बाल्दी और पोछा लगा यहाँ।
धूल का एक कण भी यहाँ दिखना नहीं चाहिए मुझे। जल्दी से काम करो। बहुत भारी है बाल्टी, उठाने में बहुत तकलीफ हो रही है। चलो जल्दी से उठाओ और काम करो। ये तुम्हारा काम नहीं है, ये सब नौकरों का काम है, झाड़ू पोछा लगाना। तुम इस घर की होने वाली बहू हो, तुम्हारा काम सिर्फ रसोई घर और करण को संभालना है। ओफो महारानी, सो गई क्या बैठे बैठे? करो जल्दी से काम, अभी तक तो आधा आंगन भी साफ नहीं हुआ। हे भगवान, भाजी रुक जा, छूने की जरूरत नहीं है इन्हें। इनके हड्डी वड्डी टूट जाती तो तू तो यही चाहती है ना कि सबको चोट पहुंचे। ये अब क्या कह रही है बुआ जी? चुप कर, तेरी सारी चालें समझती हूँ मैं। तूने जानबूझकर यहाँ पानी गिराया ताकि ये गिर जाए और इनकी हड्डी पसली टूट जाए। जब भी तू इस घर में आती है कोई ना कोई अनर्थ होकर ही रहता है। चल निकल यहाँ से। बुआ जी, मारा कोई दोष नहीं है। हाँ हाँ, दोष तो कादंबरी भाभी का है कि तुझे बहू बनाकर इस घर में ले आए। हम सबका तो जीना हराम हो गया है। तू भी बदहोश कहीं कि घर में आती, तेरी जगह गाय घर में ही ठीक है। जाओ यहां से। कार्तिक, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अपने आप गिर गई। झूठ बोल रही हैं आप। आपने सुमन जी को धक्का दिया। का कोई दोष नहीं है कार्तिक जी, हम खुद ही गिर गए थे। सुमन जी, कब तक आप दूसरों की गलतियां छुपाती रहेंगी? हम सच कह रहे हैं। हम खुद ही गिर गए थे। सब समझ रहा हूं मैं, इनकी नस नस से वाकिफ। कार्तिक, तुम अपने भाई के हत्यारे के लिए अपनी माँ जैसी बुआ पर शक कर रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपकी गलती है। अच्छा, मेरी ही गलती है ना, तो सजा दो मुझे। आप ठीक कह रही हैं। आज मैं फैसला करके रहूंगा, मैं अभी जाकर। नहीं कार्तिक जी, प्लीज बात को मत बढ़ाइए। हम कह रहे हैं ना, बुआ जी की कोई गलती नहीं है।
नहीं चाहते कि हमारी बच्ची से इस घर में और कलह हो। आज सुबह हमारे घर माँ और ताई जी में मनमुटाव हो गया है। हमारी वजह से माँ की तबीयत खराब हो गई है। प्लीज माँ के पास जाइए। बहुत समझदार हो सुमन, बस ऐसी ही समझदारी दिखाते रहना, यही ठीक होगा तुम्हारे लिए।